जय हिंद साथियों। राष्ट्रीय समाचार पत्र जनसत्ता में 16 मार्च 2018 को एक संपादकीय प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था सीमित स्वायत्तता। दरअसल ये जो संपादकीय है यह बैंकिंग घोटालों के संदर्भ में है। पंजाब नेशनल बैंक का जो अभी घोटाला सामने आया उसके ऊपर इस पर गंभीरता से चर्चा की गई है। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला सामने आने के बाद सबसे ज़्यादा आलोचनाओं का शिकार हुए रिजर्व बैंक ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वह काफ़ी गंभीर और चौंकाने वाला मसला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीएनबी घोटाले के बाद काफ़ी समय तक रिजर्व बैंक की तरफ से कोई टिप्पणी न आने से रिजर्व बैंक को लेकर के काफ़ी आलोचनाएं मीडिया में, सोशल मीडिया में और आम जनता के बीच में की गई। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि घोटालों को रोकने के लिए उनके पास जो अधिकार होने चाहिए वे नहीं हैं। अगर सरकार ने रिजर्व बैंक के अधिकारों में कटौती न की होती तो शायद ऐसे घोटालों को अंजाम देने वालों के हौसले बुलंद नहीं हो पाते। केंद्रीय बैंक के गवर्नर का यह कहना निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है। इससे पता चलता है कि बैंकिंग सुधार के नाम पर सरकार किस तरह केंद्रीय बैंक को पंगु बनाते हुए वाणिज्यिक बैंकों को अपनी मुट्ठी में कर रही है। इससे सरकार और केंद्रीय बैंक के मध्य गहरे और गंभीर मतभेद उजागर हुए हैं। जाहिर है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक जो ठोस कदम उठाना चाहता है वे शायद सरकार को अनुकूल प्रतीत नहीं होते। निस्संदेह संपादकीय में इस बात पर जोर दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बैंकिंग नियामक संस्था है। उसके पास जितने अधिक अधिकार होंगे निस्संदेह बैंकों पर आरबीआई का शिकंजा उतना मजबूत होगा और इस प्रकार की जो लापरवाही भ्रष्टाचार जो होते हैं उनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन इस बात संपादकीय के बहाने लेखक कहना चाहते हैं कि आरबीआई के पावर्स आप जितने कम करेंगे ऐसे घोटालों पर आरबीआई का नियंत्रण शिकंजा और कमजोर होता जाएगा। उर्जित पटेल की बात से जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आया है वह सीधे सीधे रिजर्व बैंक की स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है। सरकार ने बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन कर एक तरह से रिजर्व बैंक को निहत्था बना दिया। बैंकिंग क्षेत्र के बारे में बड़े फैसले करने के अधिकार सरकार ने अपने पास ले लिए हैं। ऐसे में अब केंद्रीय बैंक की हैसियत शायद इतनी भी नहीं रह गई है कि वह बड़े बड़े घोटालों के बाद किसी की जवाबदेही तय कर सके, किसी सरकारी बैंक के निदेशक मंडल को हटा सके या किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर सके। स्पष्ट रूप से बिना दांत वाले शेर की तरह रिजर्व बैंक की स्थिति है। अरबों खरबों के घोटाले सामने आने के बाद अगर केंद्रीय बैंक किसी की जवाबदेही भी तय नहीं कर सके तो फिर आखिर उसकी भूमिका क्या रह गई है, यह एक गंभीर सवाल है। रिजर्व बैंक अब क्या सिर्फ निजी क्षेत्र के बैंकों की निगरानी करने के लिए रह गया है? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद केंद्रीय बैंक को जिस तरह से दरकिनार करते हुए सरकार ने जो फैसले किए और ज़्यादातर बड़े फैसलों के बारे में रिजर्व बैंक को जानकारी तक नहीं होने की बातें सामने आईं, उनसे तभी साफ हो गया था कि आने वाले वक्त में रिजर्व बैंक की भूमिका क्या रह जाएगी। रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल ने यह स्वीकार किया है कि बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन कर केंद्रीय बैंक के अधिकार इतने घटा दिए गए हैं कि सरकारी बैंकों के कारोबारी प्रशासन में उसकी भूमिका नहीं के बराबर रह गई है। वास्तव में यह एक चिंताजनक तथ्य है। रिजर्व बैंक एक ताकतवर निकाय हुआ करता था लेकिन आज उसकी स्थिति कमजोर हो गई है। वह सिर्फ निजी बैंकों के ऊपर ही अपने नियंत्रण को प्रकट कर सकती है। सरकारी बैंकों के ऊपर निस्संदेह उसके नियंत्रण में लगातार कमी आ रही है। उर्जित पटेल की यह स्वीकारोक्ति इस बात को रेखांकित करती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर नियंत्रण को लेकर सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच खाई कितनी चौड़ी हो गई है। अब बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और निदेशक मंडलों में नियुक्ति का रिजर्व बैंक का अधिकार खत्म हो गया है। इन नियुक्तियों की कमान सरकार के हाथ में है। यह छिपी बात नहीं है कि बैंकों के शीर्ष पदों और निदेशक मंडलों में सरकार खासा दखल रखती है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि बैंक का आला प्रबंधन रिजर्व बैंक के प्रति जवाबदेह होगा या सरकार में बैठे लोगों के प्रति।
बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनी नरसिम्हन कमेटी ने भी रिजर्व बैंक की निगरानी में बैंकों के निदेशक मंडलों को राजनीतिक दखल से बचाने का सुझाव दिया था। नरसिम्हन कमेटी के बारे में आप बता दूं, जिस वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधारों के पहले युग में गुजर रही थी, अर्थात LPG रिफॉर्म्स के समय, उस समय बैंकिंग सेक्टर में सुधार करने के लिए नरसिम्हन कमेटी फॉर्म की गई थी, जिसकी सिफारिशें बेहद महत्वपूर्ण हैं। और इस नरसिम्हन कमेटी ने भी बैंकों के निदेशक मंडल में राजनीतिक दखलंदाजी का विरोध किया था और राजनीतिक दखलंदाजी से बचाने का सुझाव दिया था। इसी तरह अगस्त 2015 में भी PJ नायक समिति ने सरकारी बैंकों के बोर्ड के कामकाज में सुधार की जरूरत बताई, पर सुधार को लेकर सरकार की ओर से शायद ही कोई पहल हुई हो। अगर ऐसे सुझाव अमल में लाए जाते हैं तो PNB जैसे घोटाले नहीं होंगे। साथियों, जनसत्ता का जो ये संपादकीय है, यह संपादकीय बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब साथियों 17 मार्च के दैनिक भास्कर में प्रख्यात अंग्रेजी के युवा उपन्यासकार चेतन भगत का एक लेख छपा था, जिसकी शीर्षक था 7 बुनियादी सुधारों से बदल सकती है तस्वीर। इस लेख में चेतन भगत ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर जोर दिया। इस लेख के दूसरे पॉइंट में चेतन भगत लिखते हैं, नीरव मोदी से लेकर SBI से $2,000 का फॉरेक्स कार्ड लेकर इससे $10,00,000 करने वाले शख्स तक सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे बैंक बेकार हो गए हैं। कर्मचारियों को अधिक काम देने की गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि उन्हें पहले ही जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां दे दी गई है। आधुनिकीकरण के अभाव में घोटालों के साथ अक्षमता और जटिल प्रक्रियाएं आती हैं। बैंकों को संपूर्ण बदलाव की जरूरत है। उनके कारण घोटालों में नुकसान के अलावा GDP वृद्धि में 1-2% का नुकसान हो रहा है। साथियों, चेतन भगत भी इसी बात पर फोकस कर रहे हैं। इस लेख में उन्होंने दूसरे बिंदुओं पर भी जोर दिया है, लेकिन चूंकि हमारा जो टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो चेतन भगत का यही कहना है कि बैंकों में सांगोपांग बदलाव की जरूरत है। संपूर्ण रूप से बैंकिंग स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाए, आधुनिकीकरण तो किया जाए, और इस तरीके से बदलाव किया जाए कि जनता और सरकार का धन दुरुपयोग ना हो, घोटालों का शिकार ना हो, क्योंकि भारत के आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग सुधार बहुत जरूरी हैं। आज वो वक्त आ गया है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऊपर शिकंजा कसें, उनकी प्रक्रिया में बदलाव लाएं, ट्रांसपेरेंसी लाएं, पारदर्शिता लाएं, तभी जनता का धन इन बैंकों में सुरक्षित रहेगा और सरकार का भी धन सही क्षेत्र में ही निवेशित हो पाएगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।